से अपहरण किए गए 6 साल के अक्षत सागर को मालथौन थाना क्षेत्र की बड़ौदिया चौकी के पास से पुलिस ने बरामद किया। पुलिस की नाकाबंदी के कारण अपहरणकर्ता अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जहां से हाईवे पर भाग निकले, वहीं इस बच्चे को बड़ौदिया चौकी से सहायकर लाया गया, जिसके बाद इसके माता पिता को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि किराना व्यवसायी रोहित जैन के बेटे का इंदौर से अपहरण किया गया था, जिसकी फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए रकम मांगी गई थी। पुलिस की तत्परता के चलते यह बच्चा अपने परिजनों को वापस मिल गया। इसके बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने पुलिस को इसके लिए बार बार धन्यवाद भी दिया। अक्षत की किससे बात हुई, सबसे पहले किसके पास फोन आया? अक्षत का सबसे पहले मेरे पास फोन आया है बड़ौदिया थाने बीना से, जयराम यादव जी का, कि आपका जो लड़का है अक्षत जैन, पिता रोहित जैन बता रहा है, वो हमारे पास सुरक्षित है। उससे मेरी बात कराई, उसके बाद में अभी वीडियो कॉल पे भी आपने देखा है, उसके बाद वीडियो कॉल ठीक है बता रहा है वो धमोनी तेरा। सर क्या है ये बच्चे वाला मामला? ये इंदौर से एक बच्चा अपहृत हुआ था, जो आज यहाँ पे बड़ौदिया पुलिस चौकी थाना मालथौन अंतर्गत आती है, यहाँ पे बरामद किया गया है। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वाहन चेकिंग लगी हुई थी, और इसी बीच कुछ दूरी पे ये वाहन चेकिंग देख कर बाइक सवार बच्चे को बाइक से उतार के और निकल गए हैं। इस पे पूरे ज़िले में नाकाबंदी भी लगाई गई है, और टोल के जो हैं सीसीटीवी फुटेज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में मेरी इंदौर में डीआईजी सर से बात हुई है, और उन्होंने बताया है कि बच्चे के अपहरण से संबंधित कुछ आरोपियों को वहाँ पे हिरासत में लिया गया है, और यह बच्चा वही है जो कि वहाँ से अपहृत हुआ था, और ये शीघ्र ही यहाँ सागर आ रहा है, और इसका आते ही साथ हम मेडिकल परीक्षण कराएंगे, जिससे कि बच्चा सकुशल है कि नहीं और उसको किसी मेडिकल एड की आवश्यकता तो नहीं है। और इंदौर से एक टीम रवाना हो गई है, जो शीघ्र ही यहाँ पर सागर आ जाएगी। बच्चे को आज ही इंदौर भेज दिया जाएगा? जी हाँ, एक टीम इंदौर पुलिस की जो जानकारी मिली है ललितपुर में भी थी, तो वो संभवतः बहुत जल्दी आ जाएगी, और जैसे ही आती है तो बच्चे को उनके सुपुर्द कर और रवाना कर दिया जाएगा।